सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा YouTube के PII आर्टिकल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, YouTube ने 16 नवंबर 2022 को एक आर्टिकल लॉन्च किया जिसका नाम है PII। दोस्तों PII का फुल फॉर्म है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत रूप से पहचान करने योग्य जानकारी। मतलब कि दोस्तों PII के अंतर्गत आपको अपने वीडियो में किसी ऐसे पर्सनल जानकारी को शेयर नहीं करना है जिससे आपकी पहचान की जा सके। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप अपने वीडियो में PII के अंतर्गत क्या चीज़ अपलोड नहीं कर सकते, किन सामग्री को आप अपनी वीडियो में दिखा नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे मैं अपना रिकॉर्डिंग जो है ऑन कर देता हूँ। दोस्तों रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं आप सभी को बता दूँ, दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा है निजी संपर्क जानकारी। दोस्तों यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपको अपने वीडियो में अपना निजी संपर्क जानकारी एंड किसी व्यक्ति का ईमेल पता, फ़ोन नंबर एंड घर का पता, वो आपको शो नहीं कराना है। एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, निजी वित्तीय जानकारी, सरकारी पहचान पत्र, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का इतिहास आपको अपने वीडियो में नहीं बताना है। एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको क्या चीज़ नहीं करना है, जैसा कि दोस्तों आप अपने वीडियो में बता रहे हो किसी फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है, और वो फॉर्म में आपने सारा डिटेल भर दिया, आधार कार्ड, ईमेल कार्ड, मतलब ईमेल आईडी, पैन कार्ड, मतलब सारा चीज़ें आपने भर दिया और आपने उसको ब्लर नहीं किया, तो वो PII के अंतर्गत YouTube के नियमों का उल्लंघन करता है। एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको अपने वीडियो में जो है पेटीएम नंबर, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड एंड दोस्तों पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान पत्र आपको अपने वीडियो में शो नहीं कराना है। एंड दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी ही देना है। एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको जो है, जैसे आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो उसका जो है पासवर्ड, वो भी आपको अपने वीडियो में नहीं दिखाना है। एंड दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, YouTube इतना सख्त क्यों हो गया है, तो मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप अपने वीडियो में इन जो मैंने चीज़ें बताए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना पर्सनल आईडी यदि आप अपना दिखाते हो, तो YouTube का मानना है कि आपको कुछ इससे दिखाने से खतरा हो सकता है। एंड दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप अपने वीडियो में किन किन चीज़ों का PII के अंतर्गत यूज कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों कोई कारोबार है या कोई कंपनी है जो इंटरनेट या गूगल पर पहले से ही मतलब पब्लिश है, तो दोस्तों आप उसे अपने वीडियो में दिखा सकते हो, चाहे उसका नंबर हो, चाहे सारा डिटेल हो, आप उसका शो कर सकते हो। एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि जैसे आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, मान लीजिए आपको किसी से पैसा लेना है, तो आप लेने के लिए जो है, आप किसी से दान लेने के लिए आप अपने वीडियो में नंबर शो करा सकते हो। एंड दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि आप अपने वीडियो में मान लीजिए ईमेल पता देते हो, फ़ोन नंबर देते हो और आधार कार्ड देते हो, अब मान लीजिए अपना कोई भी पर्सनल आईडी शेयर करते हो, तो वो चीज़ जो है आप अपने वीडियो में उसे ब्लर करके शो कराना है। यदि आप ब्लर करके उसे शो कराते हो तो ये जो आपका वीडियो रहेगा वो PII के अंतर्गत उस नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। जी दोस्तों, आपने अपनी वीडियो में ईमेल पता एंड जो है ईमेल आईडी जो है और आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीज़ों का जो है प्रयोग किया है और अपना पर्सनली प्रयोग किया है, तो दोस्तों आपने उसे ब्लर भी किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा ये जो मेरा आईडी, इसमें जो जानकारी दी गई है वो मेरा पर्सनल जानकारी है। यदि दोस्तों आप किसी और का भी यूज करते हो तो आपको ब्लर करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।